हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी औलाद बड़ी होकर किसी अच्छे पद पर जाए, लेकिन ये गरीब लोगों के लिए काफी मुश्किल होता है कि उनका बेटा या बेटी पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छी नौकरी हासिल करे। लेकिन उन लोगों की भी कभी हार नहीं होती जो खराब परिस्थिति के सामने भी कुछ करने के लिए मजबूत इरादे रखते हो। ऐसे लोगों के सिर पर न सिर्फ उनके माता पिता का आशीर्वाद होता है, बल्कि ऐसे लोगों को भगवान का भी पूरा साथ मिलता है। इसी मेहनत की मिसाल बने हैं अमेठी के दुर्गेश कुमार। अमेठी के युवा दुर्गेश ने कड़ी मेहनत और परिश्रम से आज आर्मी की वर्दी हासिल की है। सेना में तैनात होकर दुर्गेश ने न सिर्फ अपने परिवार का मान बढ़ाया है, बल्कि पूरे गाँव और क्षेत्र का भी नाम रोशन किया है। दुर्गेश के पिता अर्जुन कुमार बेहद गरीब है और उन्होंने मनरेगा में मजदूरी करके बेटे को पढ़ाया है। वहीं आज उनके बेटे ने उनका मान और सम्मान बढ़ाया है। बेटे को सेना की वर्दी में देखकर वह अपने आंसू रोक नहीं पाए। बता दें कि दुर्गेश कुमार गांव के पहले युवा हैं जिन्होंने आर्मी में सफलता हासिल की है। आपका बेटा आर्मी में हुआ है, गर्व की बात है, क्या कहना चाहेंगे, कितना संघर्ष था जीवन में? मैं अपने लड़के को जान था, मेहनत मजदूरी करके जान था, पढ़ाया लिखाया कहा थी और संघर्ष किया कहा थी, गरीब परिवार में पलता है। क्या कितने खुशी महसूस हो रही है? मुझे अपार खुशी हुई है कहा थी, जो कि हमारा बेटा आर्मी में हुआ कहा थी, हम देश के प्रति जान थोड़ा अपना अपने संतान को सौंपते हैं, देश की रक्षा करें। मेरा नाम अग्निवीर दुर्गेश है, मैं पूरे प्रेम पहाड़गंज से रहता हूँ। मेरे पापा का नाम अर्जुन प्रसाद और मैं बारी काफ़ी कठिन मेहनत करने के बाद मुझे ये वर्दी मिली है। मैं डेली सुबह 4 बजे उठता था, कभी आलस नहीं किया और रनिंग करने के बाद मुझे ये सफलता प्राप्त हुई है। और इसके बाद जब ट्रेनिंग हुआ, काफ़ी बंदे ट्रेनिंग से भी छोड़ के जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं होती। अगर घर की स्थिति अच्छी होती तो फिर आर्मी में कोई ज्वाइन नहीं करता, इसलिए आर्मी ज्वाइन करने के लिए सबके दिन में इतना हौसला होना चाहिए और हौसला होने के साथ साथ जोश जज्बा और जुनून होना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं खास करके युवाओं को, जिस तरीके से आपने कठिन मेहनत की और आपके पिता जो है काफ़ी संघर्षों का जीवन रहा, क्या संदेश देना चाहते हैं खास करके आर्मी में? मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना अपना जब करते हैं तैयारी करते रहें, उसमें पीछे ना हटें, क्योंकि अगर पीछे हट गए तो फिर सफलता कभी मिलती नहीं। एक बार कदम बढ़ाने से कदम पीछे हटाना नहीं चाहिए।